हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुमार सिंह, बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, 2020 बैच के सार्जेंट भाई लोग का आज पीओपी था, दीक्षांत में था। उन लोगों का पीओपी हो गया, उन लोगों के कंधे पर आप लोगों को डबल स्टार दिख भी रहा होगा। और साथ ही साथ हमारे कौटिल्य जीएस के संस्थापक खबान सर यहाँ आए हैं, सब लोग सर के साथ जुड़े हुए हैं। सर कुछ बोले, सर से कुछ अनुभव लेते हैं, बोलिए सर कुछ। अब की बार डबल स्टार, जय कौटिल्य जय बिहार। जो प्रदीप सर का जो नारा रहता है, ये अब की बार डबल स्टार आप लोग का ईश्वर ने सुन लिया। अपनी मेहनत से आपने रच दिया है इतिहास। अब अगली बारी है, अब आप लोग अगले जो वैकेंसी आने वाली है उन लोगों को थोड़ा प्रमोट करना है, थोड़ा इनर्जेटिक बनाना है। और निश्चित रूप से फिर जो आप लोग का 2022-13 जो निकल जाएंगे, उसके बाद फिर धमाल चौकड़ा होगा कौटिल्य परिवार का, और वही नारा के साथ गूंजेगा फिर से एक बार, अब की बार डबल स्टार, जय कौटिल्य जय बिहार। हम वही काम करते हैं, आप लोग का जोश बढ़ाते हैं, कार्य आप लोग करना है, डायरेक्शन हम लोग देंगे। सर है, सर के मार्गदर्शन में आप लोग तैयारी करिए। हम लोग छोटा मोटा जो अनुभव अपना लेके यहाँ आए हैं वो लोग आप लोग के साथ साझा, बिल्कुल 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 सही, आप लोग के बड़ा भाई समझ के आप लोग हम लोग को प्यार बरसाते रहिए, सर के साथ जुड़े रहिए, ठीक है। बिहार पुलिस महानिदेशक श्री राजविंदर सिंह भट्टी सर के आगमन का संदेश हमें प्राप्त हो चुका है। बिहार पुलिस महानिदेशक श्री आरएस भट्टी सर का आगमन अकादमी के परेड ग्राउंड पर हो चुका है। हम सर का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। परेड कमांडर श्री प्रभात प्रसाद सदे हुए कदमों से मंच की ओर बढ़ते हुए, परेड कमांडर ने महानिदेशक महोदय को रिपोर्ट दी एवं उनसे परेड निरीक्षण का आग्रह किया। महानिदेशक महोदय ने परेड कमांडर को परेड निरीक्षण के लिए अपनी स्वीकृति दे दी है और अब महानिदेशक महोदय, निदेशक महोदय और परेड कमांडर निरीक्षण वाहन पर सवार। वाहन धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ आज की परेड के मुख्य अतिथि श्री राजविंदर सिंह भट्टी सर, बिहार पुलिस के महानिदेशक, सतर्कता इकाई में पुलिस महानिरीक्षक के रूप में कार्य किया। जननी अपनी मातृभूमि के प्रति कृतज्ञता से भरी मार्च पास्ट करके क्या प्रशिक्षित मानव कह रहे हैं। हम उस देश के नागरिक हैं जिसे भूखों में हमला केवल हाथों में।
जो कभी कश्मीर के वसुंधरम, कभी वंदे मातरम और कभी पंजाब से गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगल है। हम उस देश के नागरिक हैं जो हर शुक्राय की करण स्थली बन जाता है और यही प्रेम की भूमि परेड की एकजुटता हमें जीवन में एकजुटता समन्वय और सहकारिता बनाए रखने का बोध कराती है। आज यहाँ मौजूद पुलिस पदाधिकारियों के माता पिता एवं परिवार के सदस्य अपनी संतान को इस नए अवतरण में देखकर निसंदेह काफी गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे और ये गौरव का क्षण 6 महीनों के कठिन परिश्रम का परिणाम है। इस कठिन परिश्रम ने इन्हें न सिर्फ शारीरिक एवं मानसिक रूप से दक्ष बनाया है बल्कि आज के बदलते आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश में संवेदनशीलता से अपने दायित्वों का कार्यान्वयन भी सिखाया है। बाहर निकलने आपको अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा मगर आपको कदम मिलाकर चलना होगा। खासे दिवस में तूफानों में अमर असंख्य बलिदानों में उद्यानों में बलिदानों में अपमानों में सम्मानों में उन्नत मंथन उभरा सीना पीड़ाओं में पड़ना होगा कदम मिलाकर चलना होगा। हमें विश्वास है कि आप जिन मूल्यों की कौशल को अब अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच चुकी है। शीघ्र ही यह समीक्षा क्रम में आगे बढ़ेगी।